ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता, तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अलत खान, जी शहंशाह, सभी सिपाहियों को हुक्म दिया जाए कि वो यहाँ कुछ देर पड़ाव डालकर फिर से जोधा बेगम के लिए अपनी खोज जारी रखें। जरूरत पड़े तो आगरा से और सिपाही मंगवा लिया जाए और मदद मंगवा ली जाए। हमारे लिए सिर्फ 4 सिपाहियों को छोड़ा जाए। मगर शहंशाह, सिर्फ 4 सिपाही आपकी हिफाजत में? हमारे हुक्म की तामील हो, हम अजमेर जाना चाहेंगे। हमें आगे का रास्ता वहीं से मिलेगा। जी शहंशाह। सुनिए, ये क्या कर रही हो? किसी की वस्तु लेकर भागना अच्छी बात नहीं है। उन्हें अभी के अभी ये मूर्ति लौटा दो। नहीं, ये मेरे, मैं किसी को नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी। तुम मानोगी नहीं क्या? मैं गोसाइन जी को अभी के अभी बता के आती हूँ। क्यों, थक गई ना? मुझे पकड़ नहीं पाई। तो फिर मैं जीती और तुम हारी। अब ये मूर्ति तुम मुझे दे दो, जीत का इनाम। नहीं, हम आपको ये मूर्ति नहीं दे सकते। ये हमारी कान्हा जी की मूर्ति है। इसके बदले आप हमारे ये सोने के कंगन ले लीजिए। सोने के कंगन? सोने के कंगन का मैं क्या करूंगी? नाम क्या है? मैं नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी कि मेरा नाम शहनाज है। पर मुझे पता है कि तुम कौन हो। अच्छा, कौन है? तुम एक रानी हो ना, है ना? नहीं नहीं, हम रानी कैसे हो सकते हैं भला? नहीं, तुम रानी हो, बेगम हो, रानी हो तुम। परंतु आप इस बात के हट क्यों कर रही हैं? खुद को देखो तो जरा, खूबसूरत देखो। ऐसा खूबसूरत चेहरा मानो सूरज की किरणों ने भी ना छुआ हो। और इतने मुलायम हाथ, एक रानी के ही हो सकते हैं। मैं चेहरा पढ़ सकती हूँ। अच्छा, और क्या पढ़ सकती हैं आप? तुम्हारा दिल तोड़ा है किसी ने,
ठेस पहुंची है तुम्हें, बहुत बहुत ठेस पहुंची है ना। टूटा टुकड़ा दिल का, ये यहाँ नीचे नीचे जमीन पे पड़ा था, कि इसे ना अपने पास ही रखना, ये कभी जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन क्या पता कब किसी और का दिल बन गए तुम्हारे अंदर धड़के। पता है रानी, सब लोग मुझे पागल कहते हैं, ऐसी बातें जो करती हूँ मैं, लेकिन मैं ऐसे लोगों को पागल कहती हूँ, क्योंकि वो लोग नाम के पीछे भागते हैं, शोहरत के पीछे भागते हैं सारे, सूरत के पीछे भागते हैं, लेकिन पीछे छूट जाती है मोहब्बत। वो ये नहीं जानते कि वक्त बदल जाता है, मौसम बदल जाता है, सूरत दौलत सब पीछे पीछे छूट जाता है। इंसान मगर कुदरत के बदलाव नहीं देख पाता ना, तो फिर क्या हुए ना वो पागल, और मुझे पागल कहते हैं। क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी सांसें महसूस कर रही हूँ, थोड़ी सी जान बाकी है तुम्हारे अंदर, जैसे जैसे किसी के लिए तुम्हारा दिल धड़क रहा हो, जैसे किसी के लिए तुम आहें भर रही हो, तुम पुकार रही हो किसी को, तुम्हारे दिल की धड़कने किसी और से जुड़ी है ना। छोटे 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 टुकड़े दिल के छुपते रहते हैं ना। आप तो कितना कुछ समझती है, आपका भी प्यार कहीं खो गया है क्या? मेरा प्यार मेरा प्यार खो गया कहीं। शहनाज तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? चलो यहाँ से। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसे कहीं जाया ना करो। पर कुदरत को यहाँ से मैं साफ साफ देख सकती हूँ, यहाँ से साफ साफ नजर आती है दुनिया से ऊपर, मैं अल्लाह को सुन सकती हूँ और अल्लाह मुझे ये ना समझ है, इसे क्षमा कर दीजिएगा। कौन है ये? कुछ ज्ञात नहीं है, महीनों से यहाँ पे रह रही है, किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं, कभी भजन गाती है तो कभी कवाली, कभी कृष्णा जी को बुलाती है तो कभी अल्लाह को, लेकिन इसके दिल में कोई मैल नहीं है, लगता है कोई गहरी ठेस लगी है इसके दिल में। शहनाज चलो आओ, चलो। हर बार तुम्हें आने में देर क्यों होती है शरीफुद्दीन? और हम हमेशा तुम्हें इस तरह अंधेरे में ही क्यों छुपा पाते हैं? क्योंकि तुम्हारे जैसे बेवकूफ हमारे साथी हैं, जिन्हें सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। जलाल के आमेर जाने की खबर हमें क्यों नहीं दी? क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं था, उसके साथ एक बहुत बड़ी फौज गई है
हमने जलाल को मारने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो बच निकला उस सूजामल की वजह से। और तुम्हारे हमसे बार बार मिलने की ख्वाहिश की वजह से हम सूजामल की नजरों में आ गए, और सूजामल ने जलाल को बता दिया है कि महल में से ही उसका कोई एक खास आदमी तुमसे मिला हुआ है। हमें तो डर है कि कहीं कहीं हम जलाल की गिरफ्त में ना आ जाए। तुम भूल रहे हो शरीफुद्दीन, हमारा काम है फैसला लेना और तुम्हारा काम है उस पर अमल करना। जलाल के आमेर जाने की खबर हमें क्यों नहीं दी? क्योंकि बार बार महल से गायब होने पर हम पर शक हो जाता, और इतना वक्त नहीं था कि हम तुम्हें इत्तला करते। हमने मौके का फायदा उठाकर जलाल पर हमला करना ही मुनासिब समझा, और हर बार की तरह नाकामयाब रहे, है ना? थोड़ा सब्र कीजिए अबुल माली साहब, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें सब्र नहीं और इंतजार नहीं कर सकते हम, हमें जल्द से जल्द जलाल को अपने रास्ते से हटाना होगा। कहाँ है वो? पुख्ता तौर पर तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर सुनने में आया है कि जलाल वापस आगरा आ रहा है। महालक्ष्मी, तुम्हारे पास कितनी प्यारी मूर्ति है कान्हा की। कृष्ण की तो हर मूर्त ही प्यारी होती है। ये कहाँ से खरीदी तुमने? ये हमारे पापूसा के पास थी, उन्हीं से हमने ली। तब से मूर्ति हमारे पास ही है और इसे हम अपने ससुराल। मांग का सिंदूर बता रहा है तुम शादीशुदा हो, फिर तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो अपने कार्य में व्यस्त है, यात्रा पर गए हैं, और इसलिए तो हम यहाँ पर दर्शन करने आए थे। परंतु ये मूर्ति लेकर, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कोई दर्शन करने घर से मूर्ति लेकर थोड़े ही ना निकलता है। पति से झगड़ा किया होगा और घर से निकल गई होगी, इसके व्यक्तिगत मामले में हम क्यों पड़े? अब हमें चलना चाहिए, भोजन का समय हो रहा है। तुम भी हमारे साथ चलो लक्ष्मी। आइए लक्ष्मी, आप भी बैठिए और भोजन कर लीजिए। जी। मैं भोजन परोस देती हूँ। नहीं नहीं, हम खुद से ले लेंगे। आते हैं। शहनाज, चलिए भोजन कर लीजिए। आप अपना समय क्यों नष्ट कर रही हैं? जब मन नहीं करता है तो वो कुछ भी नहीं खाती है, और मन करता है तो कुछ भी खा लेती है। कभी किसी ने प्रेम से हट की ही नहीं होगी। इंतजार किसका? वही जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसे सब जानते हैं। तुम भी जानती होगी। अच्छा, पहले आप भोजन कर लीजिए, बाद में इंतजार कर लीजिएगा। हम जानते हैं आपने कल रात्रि से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भी पता है कि तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। आईना, एकदम आईना है तुम्हारी आंखें, सब बता देती है। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया और तुम मुझसे पूछ रही हो? क्षमा चाहते हैं, परंतु हमें तो बहुत भूख लग रही है। तो फिर खाती क्यों नहीं हो? नहीं खा सकते ना, जब तक आप हमारे साथ नहीं चलेंगी हम भी नहीं खाएंगे। ठीक है, बहुत जिद्दी हो तुम, खाती हूँ। तो फिर चलिए चलो। आप बैठिए, हम आपके लिए भोजन परोस कर लाते हैं।
लक्ष्मी, तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मैं दुआ करूंगी कि तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। ये भगवान का घर है, यहाँ सारी तकलीफें मिट जाती हैं। हम अंदर अकेले ही जाएंगे, कोई हमारे पीछे नहीं आएगा। मगर शहंशाह इसमें, हम जंग पर नहीं जा रहे, हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जा रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगे का रास्ता वही हमें दिखाएंगे। जी शहंशाह। एक बार फिर हम आपकी पनाह में आए। जब जोधा बेगम हमसे दूर होने वाली थी, अपनी जिंदगी खोने वाली थी, तो तूने ही उन्हें वापस लौटाया था मेरे मौला। मगर आज वो फिर हमसे दूर हो गई हैं। बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं तेरे दर पर। मुराद पूरी कर मौला, जोधा बेगम हमें लौटा दे। हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, लेकिन उसकी सदा जोधा बेगम को हमसे दूर करके मत दे। हम शर्मिंदा हैं, रहम कर मेरे मालिक। रख ले।